जिन लोगों की वफादारियां तब्दील हो रही हैं, उनको जबरी तौर पर पीटीआई का वफादार बनाया गया था, जिन्होंने लोगों के हाथ मरोड़ कर, गर्दन मरोड़ कर लोगों को पीटीआई में दाखिल किया। मेरे ख्याल में ये तजुर्बा नाकाम है। किसी के लिए राहें हमवार नहीं की जा सकती। आपका कैंपेन क्या है, आपकी इंतखाबी मुहिम क्या है, और ताकत का फैसला फिर वो आवाम करते हैं। डेरा इस्माइल खान में, टांक में, लक्की मरवत में कोई पुलिस नहीं है। रात को सारे इलाके जो है मुसल्ला लोगों के हाथ में होते हैं, दिन को पुलिस आ जाती है। तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी, एक सवाल है। इसका ये माना नहीं है कि हम इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन का माहौल तो दिया जाए ना, हमें पुरअमन माहौल। ठंड उसके अलावा होगी नहीं, मैं तैयार हूँ, मैंने आपसे कहा मैं तैयार हूँ, लेकिन माहौल दिया जाए, माहौल दिया जाए। यहाँ लाहौर में बैठ कर माहौल नहीं दिया जा सकता। खैर खैरियत है, बहावलपुर में भी खैर खैरियत है, मुल्तान में भी ठीक ठाक सूरत हाल है, लेकिन ज़रा हमारी तरफ तो आए। मेरे मेहमान अगर आप होंगे ना, तो मैं मगरिब के बाद आपको घर से नहीं निकलने दूंगा। नहीं, यहाँ पर कुछ सूरत हाल और है। जिन लोगों की वफादारियाँ तब्दील हो रही हैं, उनको जबरी तौर पर पीटीआई का वफादार बनाया गया था। ये सारे मजबूर होकर शामिल हुए थे, ज़बरदस्ती उनको लाया गया था। लिहाजा उन कुव्वतों को और उन शख्सियात को तश्तज़बाम कर देना चाहिए, जिन्होंने लोगों के हाथ मरोड़ कर, गर्दन मरोड़ कर लोगों को पीटीआई में दाखिल किया। और जो लोग वहाँ गए हैं, हमारे सामने उन्होंने खुद कहा कि हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं। मेरे ख्याल में ये तजुर्बा नाकाम है। किसी के लिए राहें हमवार नहीं की जा सकती। राहें अपने मंसूब, अपनी जदोजहद, अपनी तहरीक, और आप आवाम को कितना एतमाद में ले सकते हैं, आपका कैंपेन क्या है, आपकी इंतखाबी मुहिम क्या है, उसी हवाले से ताकत बनती है। और ताकत का फैसला फिर वो आवाम करते हैं, वोट उन्होंने देना है, बैत उन्होंने करनी है जिस पार्टी की।